आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद, मैं हूं सुनील बॉबी। आइए जानते हैं बिहार की ताजा और बड़ी खबरें फटाफट। आज 2 जून 2020 है, आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें। पटरी पर लौटी जिंदगी, बिहार में पाबंदी हटते ही पटरी पर जिंदगी, बसों का परिचालन शुरू, दुकानें खुलते ही बाजारों में दिखी रौनक। बिहार में लॉकडाउन हटते ही जिंदगी पटरी पर लौट आई है। निजी वाहनों के लिए पास की अनिवार्यता समेत अन्य कई पाबंदियां खत्म होने से अनलॉक 1 के पहले ही दिन सोमवार को बड़ी संख्या में लोग बाजारों में आए। वाहनों के दबाव से राज्य में कई जगहों पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। राज्य में एक तरफ जहां बसों का परिचालन शुरू हुआ, वहीं दूसरी ओर कई रूटों पर ट्रेनों का आवागमन भी प्रारंभ हो गया है। ऑटो रिक्शा जैसे छोटे वाहन भी सड़कों पर बहुयातन संख्या में दिखे। इधर बिहार में बाजार भी पटरी पर लौटने लगे हैं। अनलॉक 1 के पहले दिन सूबे के हर जिले में सड़कों पर काफी लोग नजर आए। नवादा, औरंगाबाद, सारण और कैमूर आदि के बाजारों में काफी चहल पहल दिखी। इससे उत्तर बिहार के हाजीपुर आदि के व्यवसायियों ने राहत की सांस ली है। आभूषण, बर्तन, रेडीमेड कपड़े और श्रृंगार सामग्री की दुकानों पर भी काफी भीड़ दिखी। सुबह से दोपहर 1 बजे तक दुकानों में ग्राहकों की काफी संख्या रही। सब्जी मंडियों में रोज की तरह भीड़ दिखी। बिहार के जिलों में आज से खुलेंगे सिविल व अनुमंडल कोर्ट। राज्य के सभी जिला न्यायालयों में जिला जज सहित ADJ, स्पेशल कोर्ट, अनुमंडल सहित अन्य कोर्ट को खोलने का निर्देश हाईकोर्ट प्रशासन ने दिया है। हाईकोर्ट के महानिबंधक नवनीत पांडे ने सभी जिला जज को इस आशय की निर्देश भेजा है। यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। प्रत्येक न्यायालय में 3 कोर्ट के अलावा 2 वर्चुअल कोर्ट भी काम करते रहेंगे, यानी जिला जज या ADJ, सब जज और ज्यूडिशियन मजिस्ट्रेट के एक एक फिजिकल कोर्ट में काम होगा। यह व्यवस्था लॉकडाउन के लागू होने तक रहेगी। कोर्ट सुचारू रूप से चले, इसके लिए सभी जिला न्यायालयों में संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। गया में 16 जून को पहुंचेगा मॉनसून। मॉनसून ने सोमवार को तय समय पर केरल में दस्तक दे दी है। हालांकि मौसम विभाग ने 5 जून तक पहुंचने की बात कही थी, लेकिन बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र से फायदा हुआ और मॉनसून केरल में पहुंच गया। मौसम विभाग ने मॉनसून के केरल पहुंचने की पुष्टि की है। संभावना है कि देश के अन्य हिस्सों में भी मॉनसून तय समय पर पहुंचेगा। गया में इसके 16 जबकि छपरा में 18 जून को पहुंचने की संभावना है। केरल में 70% केंद्रों में पिछले 2 दिनों में अच्छी बारिश हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए निर्देश, कहा रोजगार की कार्य योजना पर अमल हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्योग और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि श्रमिकों के रोजगार के लिए बड़ी कार्य योजना जल्द अमल में लाएं, चुनौती के अवसर के रूप में लेते हुए पूरी तत्परता से यह काम करें। बाहर से आए श्रमिकों की स्किल का राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक उपयोग करें। संचालित औद्योगिक इकाइयों में भी स्किल मैपिंग के आधार पर श्रमिकों की रोजगार उपलब्ध कराएं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को COVID-19 के बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा की और कई निर्देश भी जारी किए। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि रोजगार सृजन के कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग करें। प्रवासी श्रमिकों के साथ साथ यहां रह रहे लोगों को भी अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने के लिए श्रम संसाधन योजना का प्राथमिकता के आधार पर चयन करें। केंद्र की कारोबारियों और किसानों को सौगात। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने किसानों और कारोबारियों के लिए कई सौगात का ऐलान किया है। कैबिनेट ने सोमवार को MSME क्षेत्र को मुश्किलों से निकालने के लिए 20,000 करोड़ के ऋण को मंजूरी दे दी है। साथ ही हेडरी, पटरी और फेरी वालों के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना पर भी मुहर लगा दी है। इसके तहत 10,000 रुपये तक का कर्ज लिया जा सकेगा। वहीं खरीफ की 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इधर बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नितिन तोमर ने फैसलों की जानकारी दी। गडकरी ने बताया कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की परिभाषा बदलने की मंजूरी दी गई है। इस क्षेत्र के लिए 20,000 करोड़ का ऋण दिया जाएगा। इससे 2 लाख से अधिक छोटे कारोबारी लाभान्वित होंगे। छोटे उद्योगों में 50,000 करोड़ की शेयर पूंजी डालने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। बिहार में स्वास्थ्य कर्मियों व डॉक्टरों की छुट्टियां 30 जून तक रद्द, पुलिस में छुट्टी पर रोक हटी। बिहार में मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े कर्मियों की छुट्टियां एक बार फिर 30 जून तक रद्द कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सोमवार को जारी नए आदेश में कहा है कि पिछले आदेश को विस्तारित करते हुए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां 30 जून तक रद्द कर रहेगी।
बिहार में कोरोना महामारी के कारण मेडिकल इमरजेंसी से जुड़े कर्मियों की छुट्टियां पहले ही रद्द की गई थी और अब एक बार फिर से सभी अस्थायी और संविदा कर्मियों को छुट्टियां रद्द कर दी गई है। चिकित्सा पदाधिकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्देश प्रमुखों प्राचार्य और अधीक्षकों के लेकर जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों तक की छुट्टियां रद्द की गई है। लेकिन इधर बिहार पुलिस में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर छुट्टी पर लगी रोक हटा दी गई है। इसका आदेश जारी कर दिया गया है। कोरोना के कारण छुट्टी पर रोक लगा दी गई थी। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा है इजाफा। राज्य में 138 नए संक्रमित मिले। बिहार के 26 जिलों में 138 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,945 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के पहले अपडेट के अनुसार किशनगंज में 4, जहानाबाद में 1, नवादा में 4, वैशाली में 2, गया में 4, पटना में 2, भागलपुर में 5, सिवान में 8, समस्तीपुर में 3, बांका में 5, जमुई में 2, अररिया में 5, दरभंगा में 14, कटिहार में 5 और नालंदा में 1 संक्रमित की पहचान की गई है। दूसरे अपडेट में गोपालगंज में 3, किशनगंज में 2, सारण में 3, पटना में 2, पूर्वी चंपारण में 9, भागलपुर में 2, मधुबनी में 5, दरभंगा में 2, कटिहार में 10, सिवान, लखीसराय, वैशाली में 1-1, खगड़िया में 13, सुपौल में 9, जहानाबाद में 2, कैमूर में 1, रोहतास में 2, मधेपुरा में 3 और सहरसा में 2 संक्रमित की पहचान की गई। बिहार में 9.25 लाख लोग क्वारंटाइन से अपने घर गए। राज्य के प्रखंड क्वारंटाइन सेंटरों से अब तक 8,76,808 लोग अपने घर चले गए हैं। ये सभी 14 दिनों तक सेंटर पर रहने के बाद घर गए हैं। वहीं राज्य के 11,581 प्रखंड क्वारंटाइन सेंटर पर 5,26,768 लोग रह गए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि विभिन्न राज्यों से 15 विशेष ट्रेनों से 24,750 लोग मंगलवार को बिहार पहुंचेंगे। इनमें सबसे अधिक 7 ट्रेनें केरल से आएगी, 5 ट्रेनें तमिलनाडु, 2 गोवा, 2 महाराष्ट्र और 1 हरियाणा से आएगी। सोमवार को 18 ट्रेनों से 29,700 लोग पहुँचेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी 53 आपदा राहत केंद्र चलाए जा रहे हैं जिसमें 11,789 लोग रह रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान 12,71,000 परिवारों के नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। फीस माफी के लिए अभिभावकों ने उठाई आवाज। शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। ऑल बिहार स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से शिक्षा मंत्री को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रोशन कुमार सिंह, उपाध्यक्ष निकेश कुमार, महासचिव सह प्रवक्ता कुमारी स्मिता व कोषाध्यक्ष सुशील कुमार ने दिल्ली सरकार के फैसले का जिद है कि दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कहा है कि प्राइवेट स्कूलों व कोचिंग संस्थानों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेना है, इसके अलावा और कोई फीस नहीं लेना है। एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री सिंह ने अपनी ओर से शिक्षा मंत्री को साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली के आदेश के अलावा वह कोई दूसरा आदेश मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। अगर शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो उनका संगठन कोर्ट की शरण लेगा। श्री सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार के आदेश में एनुअल की बस फी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर फी, बिल्डिंग मेंटेनेंस सहित इस वर्ष कोई भी फीस इस सत्र में नहीं बढ़ाई जाएगी। ऐसे तमाम फी शामिल है जिसे इस वर्ष स्कूलों में नहीं लेना है, सिर्फ ट्यूशन फी ही लेना है। इस आदेश के लागू होने से बिहार के अंदर पर छात्र 25 से लेकर 50,000 रुपये होते हैं जो अभिभावक इस कोरोना महामारी में नहीं देंगे। मैट्रिक उत्तीर्ण 90,000 बेटियां भरेगी उड़ान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के उड़ान प्रोजेक्ट के तहत इंजीनियरिंग की तैयारी मुफ्त में कराई जाएगी। बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास बेटियां अब IIT तक आसानी से पहुंच पाएगी। CBSE द्वारा उन्हें IIT तक पहुंचने की तैयारी मुफ्त में करवाई जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के उड़ान प्रोजेक्ट में अब बिहार बोर्ड की बेटियां भी आवेदन कर पाएगी। जो चयनित होगी उन्हें CBSE के उड़ान प्रोजेक्ट के तहत इंजीनियरिंग की तैयारी मुफ्त में करवाई जाएगी। बता दें कि मैट्रिक 2020 में उत्तीर्ण वैसी छात्राएं उड़ान प्रोजेक्ट में आवेदन कर सकती हैं जिन्हें मैट्रिक में 70% अंक मिले हैं। इसके अलावा विज्ञान और गणित विषय में 80% अंक मिले हैं। चूँकि इस बार मैट्रिक का रिजल्ट काफ़ी बेहतर हुआ है, 1,65,299 छात्राओं को प्रथम श्रेणी प्राप्त हुआ है। इनमें 90,000 से अधिक छात्राएं 70% या इससे अधिक अंक प्राप्त की है। लॉकडाउन खत्म होते ही बिहार में सियासी सरगर्मी तेज। बिहार में जून में 2 वर्चुअल रैली करेगी भाजपा। राजद थाली पीटकर भाजपा की रैली का प्रतिकार करेगा। बिहार भाजपा ने जून में 2 बड़ी डिजिटल रैलियां करेगी। भाजपा की पहली वर्चुअल यानी डिजिटल रैली 9 जून को होगी जिसे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। दूसरी वर्चुअल रैली की तिथि जल्द घोषित होगी जिसे भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा संबोधित करेंगे।
बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों के साथ ही पार्टी की गतिविधियों की जानकारी दी। दावा किया कि पीएम के मन की बात को बिहार में 60,000 बूथों पर सक्रिय टीम के साथ सुना गया। 38,000 बूथों की तस्वीर आ चुकी है। इससे ही से प्रेरित 9 जून को डिजिटल रैली करने का निर्णय लिया गया है। इधर राजद 9 जून को भाजपा की वर्चुअल रैली का प्रतिकार करेगा। उस दिन मजदूर अधिकार दिवस के रूप में मनाएगा। राजद के सभी समर्थक उस दिन अपने दरवाजे पर खड़े होकर थाली या कटोरी पीटेंगे और सोई हुई सरकार को जगाएंगे। जिस दिन गरीबों के पास बर्तन नहीं होगा वह केले का पत्ता दिखाएंगे। कार्यक्रम 10 बजे दिन में होगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पार्टी कार्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में भाजपा को वोट और चुनाव की चिंता है। भाजपा रैली नहीं करेगी, गरीबों को लूटने और मरने का जश्न मनाएगी। वोट के चक्कर में उसने लोकलाज भी त्याग दिया है। खबरों में आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि बिहार के साथ देश दुनिया की खबरों से आप रहें अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।